पढ़ क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहीं से पार्टी जाने वाली दिखता है यू, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट ऑफ शुभम बैंक लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31st March 2005, वी हैव गॉट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, सैलरीज एंड अलाउंसेस, डिस्काउंट ऑन बिल्स, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट इन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टैंप, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्सेस एंड लाइसेंसेस एंड ऑडिट फीस, ओके गुड़िया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000, एंट्री सुबह ही बता दी थी मैंने, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30,000, बैड डेट 40,000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बी मेड इज 36.6%, ये एक स्पेशल एरिया मैंने कहा था आपको, और इंटरेस्ट ऑफ 4,000 इज डाउटफुल, इसकी भी मैंने आपको एंट्री बता दी थी, से यस, ओके मुकेम्बो। सो कौन खुश हुआ बे मुकेम्बो, येड़ा है क्या, कुछ भी चीज पर खुश हो जाता है। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 16, और अब तुम्हारा लिखने का काम आज चालू होगा तो तुमको सांस लेने को टाइम नहीं मिलेगा आज, पहले ही सांस ले लेते हो, ले लो। चलो बेटा जी, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड कि पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट बना दो, बी क्विक, मैं स्लो नहीं रहूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, 25 lines, माता जी लिख लीजिए प्लीज, रहम कीजिए मुझ पर, आप टेक्स्ट बुक में कैसे लिखोगे, नोटबुक निकालो ना, लाइक किसके पास है इसकी नोटबुक, अलीबाग से है कह रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2005, रुपीज इन थाउजेंड्स, डू नॉट राइट 25 lines, वाह गुड, आज इस क्लास में एक मौका दूंगा किसी को, हाँ कुछ भी जो करना है कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या आइटम है बेटा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 10 lines, शेड्यूल 13, बेटा इधर शेड्यूल के नंबर चेंज नहीं हो सकते, शेड्यूल 13 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपको लाइन ड्रॉ करने का नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, सॉरी इंटरेस्ट अर्न लिख दो और आगे बढ़ो, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड के बाद में नेक्स्ट अदर इनकम। अरे तुमको बोला तो है यार लाइन मत ड्रॉ करो बोलकर, नेक्स्ट कौन सा बेटा जी, कितना प्यारा बच्चा, अदर इनकम 4 lines, नहीं हुआ बेटा, चार चार बार लिखो, एकदम आराम से लिखा बेटा, अब जब तक तू नहीं बोलेगी मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस पूरे पेज भर तक यही लिखती रहना, राइट 5-5 times टेक्स्ट बुक। मुझे लग रहा अभी फॉन्ट भी सब कुछ कॉपी करेगी क्या, 10 lines, अदर इनकम शेड्यूल 14, 4 lines, मोहित अदर इनकम 4 lines, हो गया, मां कसम इतना फास्ट लिखा बेटा, शेड्यूल 14, मुझे ये भाषा भी उन्हीं से मिली हुई है, अदर इनकम 4 lines, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 4 lines, इंटरेस्ट एक्स, ये क्या हुआ बे, ये क्या था, क्या रे गुंडी क्या था ये, बशीगण गांव पर फिर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 4 lines, छोरी क्या हुआ आप लिख क्यों नहीं रहे, नहीं सुबह भी नहीं लिख रहे थे आप, मैं आज बुक देखे बिना जाने नहीं दूंगा, बस ध्यान रख लियो छोरी, तू तैयार हो क्या, ये जा नहीं पाएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 4 lines इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 4 lines, और लास्ट वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
12 lines. Operating expenses, 12 lines. Operating expenses, 12 lines. Operating expenses, 12 lines. All right. Yes. So, boys and girls, here we go. So, the first item is what? Read it. Interest on loan. Sahi hai na? So, interest on loan, come down to the schedule number 13. Schedule 13, interest earned. वहां पे लिखे इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट इट इन द इनर कॉलम, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है उस पर. डाउटफुल डेट्स का जो इंटरेस्ट एक्रुअल बेसिस पर रिकॉर्ड कर लिया गया था, रॉन्गली रिकॉर्डेड, राइट डाउन इन द ब्रैकेट एडजस्टमेंट नंबर 5. ये समझा इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि इस पर कौन सी है? एडजस्टमेंट नंबर 5. चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इट विल गो इन विच शेड्यूल? 15. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज एक्सपेंस फॉर बैंक, so it will go in schedule 15, interest expended. Do you remember that? Interest expended. ये expanded लिखता है. अच्छा, कुटना अलग देव जाने. हस्ती क्या है रे? 275. और एक बार हंस बेटा, बहुत बहुत प्यारी हंस रही, नाक बहुत अच्छे से फूक रहा है तेरा, हंसती रहा. So you don't stop. So you don't stop. So now she is not going. Don't stop. Interest on fixed deposit. After that, what is the next? Commission. Commission is income for bank. So where do you show it? Other income. Write down commission, other income. Barabar hai na beta? Schedule 14. Prachi, ruk mat beta. Continue. Keep smiling. So interest on fixed deposit is how much? 275. ये क्यों शर्मा रहा है? 275. Now what is the next item, friends? Exchange and brokerage. Exchange and brokerage. सुनो, exchange and brokerage will go in where? Schedule 14. Other income. बात हो गई थी सुबह ही. 20. चलो टिक मार्क करो एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज. फिर क्या है? सैलरीज एंड अलाउंसेस. कहां जाएगा बेटा सैलरीज एंड अलाउंसेस? कहां पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16. बिल्कुल सही. सैलरीज एंड अलाउंसेस 150. शांति धर मेरे भाई, किस पर एडजस्टमेंट है? 150 पर. हाँ, एडजस्टमेंट तो है. ठीक है, वो कर दूंगा मैं, डोंट वरी. सैलरीज एंड अलाउंसेस कितना लिखा? 150. Now write down the next. Discount on bills. ये कहां जाएगा? Schedule number 13. Income होती है बैंक के लिए. Discount on bills gross. Schedule 13. ये inner column में लिखना है. क्यों? इसके ऊपर भी adjustment है. Rebate वाली. लिख दो in the bracket adjustment number 1. Adjustment number 1. बेटा फिर interest on cash credit. Again it is in interest earned only. 240. बैंक गिव लोन इन फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट. वर्ड कैश क्रेडिट ही बताता है कि बैंक ने लोन दिया है और उसके ऊपर क्या मिला बेटा जी? इंटरेस्ट. तो बैंक के लिए क्या हुई? इनकम. डू ऑल एग्री? सो इंटरेस्ट अर्न में आई है बेटा. अगला आइटम कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओवरड्राफ्ट इन करंट अकाउंट. दिस इज ऑल्सो योर इनकम. बैंक के एंगल से सोचो, बैंक के लिए क्या आई है? इनकम. तो यह भी कहां जाएगा? इंटरेस्ट earned 30. Interest earned 30. बेटा next item कौन सा है? Interest on saving bank deposit. ये income नहीं है, ये क्या है? Expenditure. कहां जाएगा? Interest expended. Interest expended 87. इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 87. फिर मेरे बच्चों नेक्स्ट आइटम कौन सा है बता दो यार? पोस्टेज टेलीग्राम एंड स्टैम्प. सुबह 16-16 हुआ था, वही 16-16 में जाएंगे सारे, एक के नीचे एक आइटम. हाँ डाल भाई, तू रुकना मत. 10. पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड स्टैम्प 10.
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20, सन्ड्री एक्सपेंसेस 10, रेंट 15, टैक्सेस एंड लाइसेंसेस 10, ऑडिट फीस 10। चलो पूरी ट्रायल बैलेंस को तो खाली कर दिया एक बार का। हो सर, ओके, रीड द फर्स्ट। हाँ रुक गए, रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। आप सभी लोगों से विनती है, चोपड़ा जी इंक्लूडिंग आप, एंट्री क्या होगी बताइए। चोपड़ा जी प्रॉब्लम नंबर कौन सी चल रही है आपके साथ, वहां से शुरू करनी पड़ेगी। 16th, उसमें एडजस्टमेंट नंबर कौन सी चल रही है? अच्छा, फिर आप एंट्री बता सकते हो कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की, वो सुबह जो लिखा था। अरे वाह, काम आ गई बात है। लास्ट के साल जाते जाते चौका मारा है पुट्टे। सो क्या एंट्री हुई? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। चलो आपको आगे की बात भी पूछ लेते, ट्रीटमेंट भी बता दो अभी। ए झंडू बाम, ट्रीटमेंट भी बता दे अभी। एंट्री तो बोल दी, डिस्काउंट में क्या करूं? लेस। अच्छा दो मिनट, डिस्काउंट कौन से शेड्यूल में जाएगा बता दे। डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13 है, बिल्कुल सही। तो 13 में से ये क्या होगा? लेस। और रिबेट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट शेड्यूल नंबर 5, अदर करंट लाइबिलिटीज, याद आ रहा है क्या? एंड प्रोविजन। बट बेटा बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, इसमें पे एंड एल अकाउंट बना रहे, तो सिर्फ कितना इफेक्ट देंगे? 1। तो आ जाइए और ये क्या करेंगे, लेस 30 और आउटर कॉलम में आपका कितना आएगा? 122। लेस करेंगे 30 और आउटर कॉलम में आएगा 122। हो गया बेटा, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज 30,000। देखो इसकी एंट्री क्या हो सकती है, एक तो ऊपर के सैलरी में मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी इंक्लूडेड है, एक अजम्पशन ये हो सकता है। और ये सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट आइटम, ये भी एक अजम्पशन हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है विच इज आउटस्टैंडिंग, तो व्हाट विल आई मेक द एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी विल गो इन शेड्यूल नंबर 16 और आउटस्टैंडिंग सैलरी विल गो इन शेड्यूल नंबर 5। डू यू ऑल एग्री? पक्का? तो ये जरा देखो, हाँ कहां से हो सके, ठीक है। तो सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30, मैंने अजम्पशन क्या किया कि जो ऊपर दी गई सैलरी है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। से यस, तेरा हो गया पक्का? ये हो गया, तू एक काम कर, उंगली घुसेड़ दे, तू रुकी मत, बस तू रुकी मत, उंगली घुसेड़ दे बस, आज तो डाल ही दे उसके अंदर, मतलब बस बात खत्म। चित करना क्या है तुमको? अरे भाई करना क्या है ये तो बता, मैं करता हूं सल्टा देता हूं, क्या करना है तू बस बता, बस मुझे आज सारी चीजें सल्टाएंगे अपन तेरी। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? चलो आगे, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कितना लिख दिया? 30। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये बेटा इसका मीनिंग समझ में आया ना, सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर वाला लॉजिक, क्योंकि इसका अजम्पशन क्या किया, ऊपर की सैलरी में मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी इंक्लूडेड नहीं थी। चलो नेक्स्ट आइटम बता गुंडू, बैड डेट्स। बेटा बैड डेट्स कहां से इफेक्ट देंगे? बैड डेट्स बोला, आरडीडी नहीं बोला, बैड डेट्स की एंट्री क्या? बैड डेट्स टू डेटर्स, यस और नो? तो बताओ बैड डेट्स कहां जाएगा? क्या बोल रही है? ये देखो इधर, ये मैंने एक अजम्पशन भी लिखा है, इट इज अज्यूम दैट सैलरीज एंड अलाउंसेस डज नॉट इंक्लूड सैलरी पेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हम बाद में लिख देंगे। बट ये देखो बेटा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ गया बैड डेट्स, बट सेकंड इफेक्ट इसका क्या होता? एडवांसेस में से क्या करते आप? लेस। डू यू ऑल एग्री? इट इज एज गुड एज लॉस असेट, राइट ध्यान। हां गुंडू लिख दिया, वेरी गुड। बैड डेट्स, रविना जी बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे आता है बता दीजिए, मत बताओ।
नेक्स्ट बेटा जी, एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ इज प्रोविजन फॉर टैक्स. ऑलवेज डू दिस एडजस्टमेंट एट द एंड. आई गिव द रीजन व्हाई. क्यों? जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं है तब तक आप टैक्स नहीं निकाल पाओगे. सो प्रोविजन फॉर टैक्स के एडजस्टमेंट विल ऑलवेज बी एट एंड. तो इसको पेंडिंग कर दो. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ 4000 ऑन डाउटफुल डेट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. सो व्हाट विल आई डू? आई विल रिवर्स इट. सो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 300. उसमें से 4000 डाउटफुल डेट्स का इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज हो गया. यस और नो? तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा. एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? सो बॉयज एंड गर्ल्स, इसकी एंट्री आपने सुबह लिखी थी, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट. डू यू एग्री? तो बेटा जी इधर आ जाओ. इंटरेस्ट ऑन लोन में से लेस 4, आउटर कॉलम 296. तुम घर से ही करके आते हो सर? ठीक है, 296. ऑलराइट मुकेम्बो, टेक द टोटल. टेक द टोटल. यू मीन 688? ओह यू लवली पीपल, 688. आज तो क्या फॉर्म में हो तुम? आज मैं स्लो हूं. 688. चल बेटा नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्नड के बाद में अदर इनकम. अदर इनकम की टोटल बताओ बच्चों. 30. कैलकुलेटर अभी बाहर निकल रखा है कि टोटल 688 कैसे भी बेटा किसी ने बोला होगा ना तुम्हारे भाई बहन ने. थर्टी. नेक्स्ट 362. 295. इज दैट व्हाट यू से? यस सर, ये 295. डन. अभी बेटा जी पी एंड एल अकाउंट याद दिला दू कितने फॉर्मेट में था. लेवल 1, लेवल 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड. फिर ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर उसके बाद में अप्रोप्रिएशन. तो ऐसे चार हिस्सों में डिवाइडेड है क्या? लास्ट के दो हिस्से इसमें आएंगे नहीं. लास्ट के दो हिस्से मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व का तो आएगा बट बाकी और कुछ नहीं आएगा. यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स गो ऑन. ये फर्स्ट वन इनकम. बेटा शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट अर्नड आपका आया था 688. फिर क्या है? अदर इनकम है क्या? अदर इनकम कितना आया था? 30. डू यू ऑल एग्री? 688 एंड 30. देन योर आंसर इज 718. इंटरेस्ट अर्न 688 एंड 30 एंड द टोटल इज व्हाट? 718. व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. यस और नो? एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 362. मुझे पता था सुबह लेट आती है उसका रीजन पता था. अब शाम को क्या हुआ बेटा? ये लड़के ऐसे इग्नोर करके चले जाए जैसे मैं कुछ हुई नहीं. किससे बात कर रहे हैं? बोले क्या है? हाँ बेटा आज क्या हो गया था? बारिश आ रही थी. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 295. कहां से? उगांडा से. 295 ये बोली मैंने. ये बोली उगांडा से. अभी सुनो एवरीवन, जो इंश्योरेंस कंपनी में और इधर डिफरेंस है वो बता दूं. बाकी तो कुछ नहीं, हमने फिगर सिर्फ ड्रैग कर इधर लेकर आए. अब पूरी क्लास का ध्यान इधर चाहिए. दो मिनट के लिए वापस मस्ती कर सकते हो आप. सुनो, आपने क्या करना है अभी. 718 कैलकुलेटर पर लो. 718 माइनस 362 माइनस 295 61. टेक अ पॉज, टेक अ पॉज. लकी गो राउंड इसमें और कोई प्रोविजन नहीं था. जैसे आप मुझे बताओ प्रोविजन निकाला गया हमने एनपीए का, नहीं था. अगर प्रोविजन होता तो वो प्रोविजन भी लेस होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लकी गो राउंड इसमें प्रोविजन नहीं था. तो अभी अपना कितना है आंसर? 61. और 61 का 36.6% निकालो. 22.326. तुम्हें बच्चों एक बात पहुंची क्या तुम्हारे जहन तक? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं,
कि बेटा जी इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट में पहले आपका पीबीटी निकल जाता था, और जब आप घर पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एकदम इजीली पता चलता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स किस पर निकला है। इसमें एकदम इजीली क्लियरली पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस फिगर में से ये दो फिगर माइनस होंगे और आने वाली कुछ प्रॉब्लम में और भी कुछ आइटम्स लेस होंगे इधर प्रोविजन में कुछ रहा तो, और उसके बाद में आपका क्या निकलेगा? टैक्स। तो एक बार देखो, कोई घाई नहीं करेगा अभी। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज लिखा मिले, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, तो 718 माइनस 362 माइनस 295 इंटू 36.6% जो आपने फिगर बताया, ये आपकी सेवा में हाजिर 22.33। यही बोल रहे थे ना, लिख लो, लिहून घेणे। सेवन वन एट माइनस 362 माइनस 295 माइनस 22.33। तो आपको पीबीटी मिल जाएगा। अभी टोटल 2 लेनी पड़ेगी आपको इसके बाद। संतोष पानी लगा, पानी। ओके 679.33, ये टोटल 2 आ रही है। 679.33, डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस, ओबामा लिख दिया बेटा। टोटल 1 माइनस टोटल 2, टोटल 1 माइनस टोटल 2 कितना है बेटा? 38.67। ये आया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 38.67 ये सही है बेटा? क्या कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट है क्या आपके पास? एनी ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट? नो, कोई दिक्कत नहीं, नो तो नो। ये देखो, प्रॉफिट और लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड नील लिखा, टोटल आई 1 प्लस 2, 38.67। इनफैक्ट ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3। या ये 2 का टोटल ले लिया आपने, एक काम करते हैं टोटल ही लिख देते हैं, कई को कंफ्यूजन। दे टॉकिंग अबाउट दिस 2 टोटल, तो 38.67 आया। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद में अप्रोप्रिएशन होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या अप्रोप्रिएट करते हैं? 25%। एक स्टूडेंट आज सुबह मॉर्निंग में मिली मुझे और वो बोली कि सर मैंने बीकॉम में ये सिलेबस पढ़ा था, उसके अंदर 20% हमको अप्रोप्रिएट करना सिखाया था बीकॉम में, तो आप यहां पर ज्यादा क्यों कर रहे हो? बेटा एक्चुअली हम ये एक्चुअल परसेंटेज नहीं ले रहे अप्रोप्रिएशन के, आपके इंस्टीट्यूट का रूल है, उन्होंने बताया कि बच्चों ने बाय डिफॉल्ट कितना परसेंटेज करना है, 25%। इज दैट ओके? तो जैसे ही ये प्रॉब्लम होगी मैं पहले आपको स्टैंड क्लियर करूंगा एंड देन विल गो अहेड। इज दैट ओके? स्टैट्यूटरी रिजर्व का। सो इधर देखिए, 38.67 में ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, 38.67 इंटू 25%, इट इज हाउ मच? 9.67। 25% इज नॉट द एक्चुअल रेट विच आरबीआई इज आस्किंग यू टू डू। 25% is being made compulsory by your ICI institute के module में। Are you getting my point? तो ये वाला 25% ये RBI की तरफ से नहीं है, ये आपके institute की तरफ से। कितना आ रहा बेटा? 9.67। So 38.67 minus 9.67 आपका क्या आ जाएगा? Profit carried to the balance sheet, 29.09। 09 कैसे आएगा भाई? 29 ही आना चाहिए ना, शार्प 29 आ रहा है। ओके, ये शार्प 29। तू थी श्रद्धा, शार्प 29 आ रहा है बेटा। हां जी, हो गया पीएनएल अकाउंट आपका कंप्लीट। ये टोटल नहीं भी लिखी तो चलेगा, नीचे नोट लिख दो, इट इज अज्यूम दैट सैलरीज एंड अलाउंसेस डज नॉट इंक्लूड सैलरी पेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर। इज दैट ओके?